सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को अंतिम विदाई दी जा रही है। सुबह से ही लगातार जो तैयारियां थी वो शुरू हो गई थी। पार्थिव शरीर को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास पर सबसे पहले लाया गया। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी पहुंचे। और फिलहाल देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सेना की टुकड़ियों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर परफॉर्म किया जाएगा। देश के सबसे बड़े सेनापति को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अंतिम सफर पर वीर सपूत निकल पड़े हैं। वन टीवी के माध्यम से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे देश में गमगीन माहौल बरकरार है। देखिए तस्वीरें, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल पालम एयरपोर्ट पर जब 13 पार्थिव शरीर पहुंचे। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और साथ ही पुष्प अर्पित कर परिजनों को ढांढस भी बंधाया। मुश्किल है ऐसे समय में कुछ भी कह पाना, लेकिन पहुंच रहे हैं सभी लगातार। अमित शाह आज सुबह, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह उनके निवास स्थान पर पहुंचे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री कल पालम एयरपोर्ट पर भी पहुंचे और आज भी अंतिम दर्शनार्थ पहुंचे। राहुल गांधी भी पहुंचे और उन्होंने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी। अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं देश के प्रथम सेनापति और वो सभी जिन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाई। तस्वीरें फिलहाल बराड स्क्वायर की, जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। सेना की टुकड़ियां यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी परफॉर्म करेंगी। और देखिए तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं आपको, ये वही फूलों से लदा हुआ, फूलों से सजा हुआ सेना का वाहन जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह है। बराड स्क्वायर पर ब्रिगेडियर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सेना की टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं और पूरा देश कह रहा है अलविदा देश के वीरों। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बुधवार को जब जिस हादसे की सूचना आई वो हादसा इतना ज्यादा गंभीर हो जाएगा कि देश के सर्वोच्च सेनापति, जिनकी कमान, जिन तीनों टुकड़ियों की कमान अपने हाथ में लेकर के कोऑर्डिनेशन जिनका सरकार के साथ में एक तरीके का ब्रिज था, वो अब एक तरीके से अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए। नम आंखों से पूरा देश विदाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फूलों से सजी सेना की इस गाड़ी के अंदर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह है और ससम्मान उन्हें अब वाहन से नीचे उतारा जाएगा, जिसके बाद अपने अंतिम सफर पर, जो जीवन का अंतिम सफर होता है, उस पर निकल जाएंगे। तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे, पुष्प चक्र हाथ में लिए, नम आंखों के साथ सभी शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। हाथ जोड़े सभी परिजनों से जो भी वहां पर मौजूद थे। मुश्किल है ऐसे समय में कुछ भी किसी से बात कर पाना, लेकिन सभी से जाकर मिले और सांत्वना देने की कोशिश की। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भी कल पहुंचे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने माध्यम से जो श्रद्धांजलि है वो उन्हें दी। अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह उनके निवास स्थान पर पहुंचे। राहुल गांधी पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान से, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर कोई अपने अपने जरिए, अपने अपने तरीके से उन्हें ट्रिब्यूट दे रहा है। अंतिम सफर पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महान योद्धा को देश के एक अंतिम विदाई देने के अश्रुपूर्ण दृश्य, जब देश नम आंखों से अपने इस महान और 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। और यकीनन जिस तरीके की शख्सियत उनकी रही, जो उनका व्यक्तित्व रहा, उसको अपने माध्यम से हर कोई यहां पर चेरिश करने की कोशिश कर रहा है। सभी वीरों को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। यह अंतिम सफर जिसमें सीडीएस विपिन रावत के साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी, उन्होंने भी अंतिम सांस तक विपिन रावत का साथ दिया और साथ ही उनके चली गई। जनसैलाब जिस तरीके का देखने को मिला, 2 घंटे लंबा जो सड़क मार्ग के जरिए
ये अंतिम सफर रहा उनका। हर कोई वहां पर दर्शनार्थ अंतिम दर्शनों के लिए लालायित नजर आया। साथ साथ दो घंटे तक इस तरीके से लोग चलते रहे, तस्वीरें भी आपने देखी और अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि किस तरीके की पर्सनालिटी उनकी रही होगी। जो लोग उनको पर्सनली जानते भी हैं, जिनसे कभी ना कभी एक दफा उनकी मुलाकात रही भी होगी, वो जानते हैं कि सेना के डिसिप्लिन में किस तरीके से रमे हुए थे। अपने रिटायरमेंट के बाद में भी जब अपने लेक्चर्स पर जाते थे वो, तब यही उनकी बातों में होता था किस तरीके से देश को अंदरूनी तरीके से मजबूत किया जाए और जो बाहरी ताकतें हैं देश पर आंख गड़ाई बैठी है उन्हें भी हम मुंहतोड़ जवाब दिया। एक उनका बहुत ही प्रसिद्ध बयान सामने आया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर पड़ोसी देश से एक गोली चली तो यहां से जितनी गोलियां चलेगी उन्हें गिनना मुश्किल हो जाएगा। और वही वीर आज देखिए अपने अंतिम सफर पर बराड स्क्वायर से फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं CDS जनरल विपिन रावत। 17 तोपों की सलामी उन्हें दी जाएगी और पूरे देश के लिए काफी गमगीन ये क्षण, एक अपूर्ण क्षति, एक ऐसा वॉइड जिसे शायद ही इतिहास में कभी भुलाया जा सकता है। जब जब उनका जिक्र होगा उनकी वीरता शौर्य गाथा और साथ ही ये दुर्घटना, इसका भी यकीनन जिक्र होगा। एक काल का ग्रास बनने वाला जो दिन था, बुधवार का दिन, जब ये जानकारी सामने आई कि कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, किसी ने सोचा नहीं था कि वहां से 13 दर्दनाक सूचनाएं एक तरीके से सामने आएंगी। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।